हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूँ आपके साथ गुंजन मित्तल। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो कोई बीमारी अगर सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है तो वो है डायबिटीज़। इस बीमारी को हम अपने सिडेंट्री लाइफस्टाइल की देन भी मान सकते हैं। आज हिंदुस्तान डायबिटीज़ कैपिटल कहलाता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 9 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 40 लाख मरीजों की मौत डायबिटीज़ के कारण होती है। इस बीमारी की गंभीरता बताने और लोगों को इस बढ़ती बीमारी से प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। आज इस मौके पर इस बीमारी की गंभीरता और बचाव के तरीके बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान शामिल हुए हैं। नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी डॉक्टर एंड ब्रिगेडियर के एस बरार और वन हेल्थ फाउंड की फाउंडर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा शर्मा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, सबसे पहला मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि ये डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, हम जानते हैं हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, ऐसे में आप हेल्थ सेक्टर और सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं लोगों को इस बीमारी की गंभीरता के बारे में जागरूक करने के लिए? आपको क्या लगता है किस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाने चाहिए ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके? कहाँ चूक हो रही है हमसे कि यार डायबिटीज के जो मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज एक तरह का, जिसको हम बोलते हैं, एक साइलेंट किलर है। इसके शुरुआत में पता नहीं लगता है जी। ये बीमारी कई बार जब शुरू होती है तो लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता है कि उनको डायबिटीज की बीमारी हुई है। तो ये एक्चुअली सरकार को अवेयरनेस के प्रोग्राम जो शुरू करने हैं, इसमें डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे टीवी पर विज्ञापन दिए जाते हैं उस तरह इनकी बीमारियों के बारे में लक्षण बताए जाने चाहिए, लोगों के साथ कांटेक्ट में आना चाहिए, कैंप्स करने चाहिए लोगों से, और खासकर उन लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम है, जिनका मोटापा ज्यादा है, इस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहिए जी। और ये बीमारी अभी आजकल ये बच्चों में भी इसीलिए देखी जाती है क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल जो है वो काफी खराब हो गया है। इनमें पहले हम बोलते थे 30 साल के ऊपर ये टाइप 2 डायबिटीज होता है, पर आजकल हम देखते हैं कि ये डायबिटीज जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे आपने बताया माना जाता है, ये छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है। और इसका मेन कारण यही है कि हम लोग अपना खाने पीने का ध्यान बच्चे नहीं देते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, बाहर खेलना कूदना कम हो गया है, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये सब अवेयरनेस जो है ये बच्चों को माता पिता के अलावा स्कूल्स में ये बताया जाना चाहिए, कैंप्स करने चाहिए जैसे मैंने बताया। तो इससे मतलब ये जो बीमारी के बारे में लक्षण है और उसके बारे में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज ये काफी कॉमन बीमारी, हम सब जानते हैं कि आज हर घर में एक ना एक मरीज डायबिटीज का जरूर है, जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की देन है हम ये भी जानते हैं, तो क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसके मामलों को कम किया जा सकता है? वो भी उसका हम जवाब जानते हैं, बिल्कुल हाँ। तो ऐसे में डाइटिशियन कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, जो डायबिटीज है अगर आप देखें और जो मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो फंडामेंटली उनके पीछे एक मूल कारण है इन्फ्लेमेशन जी। आज के डेट में अगर आप नॉर्मली किसी का भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट उठाएं तो ESR बड़ा हुआ होगा जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दिखाता है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और खासकर डायबिटीज में देखी गई है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो मेन कारण है वो है जो हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, जो हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं। रिफाइंड ऑयल बनने की जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड करी जाती हैं उसको कलर देने के लिए, उसमें से वो सेडिमेंट्स हटाने के लिए, जो ज़रूरी नहीं होती हैं। मतलब ये केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं। इसी तरह के से जब हम कोई ऐसा फूड लेते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कोई कलर ऐड किया गया हो, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया हो, उसकी सुंदरता निखारने के लिए कलर है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव है, तो ये सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं जी। तो एक समय अगर हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर हॉस्पिटल में
ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। जैसे जब मैंने मेडिकल पढ़ा था उस समय एक बहुत स्टैंडर्ड डाइट चार्ट दिया जाता था जब कोई डायबिटिक ऑलरेडी हो चुका हो, जी मगर हमें जरूरत है एजुकेशन की, क्योंकि जब आप सिर्फ एक डाइट चार्ट देते हैं तो उसके पीछे जो वाय है, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो पेशेंट को समझ नहीं आता। तो आधे टाइम तो वो उसको बीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने शुगर फ्री चॉकलेट खरीदी, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज शुगर फ्री चॉकलेट में तो केमिकल है एस्पार्टे जी में। तो जिस चीज को हम ठीक करना चाहते हैं वो विपरीत डायरेक्शन में पेशेंट जाता है। तो इसीलिए मैंने एज अ मेडिकल डॉक्टर सोचा कि मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ही काम करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हमें पेशेंट एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स बिल्कुल में एंड वर्क प्लेसेस पे। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि इस बीमारी की गंभीरता की बात करते हैं तो ये किस तरह हमारे ऑर्गन्स पर असर डालती है? देखिए, बहुत गंभीर बीमारी इससे मानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट शरीर के हर ऑर्गन को, हर अंग को यह इन्वॉल्व करती है, सिर से पैर तक। इसको हम माइक्रोवैस्कुलर या मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। ये डायबिटीज को इससे अनदेखा रोग कर देते हैं कि इसका अचानक कई बार पता नहीं लगता है, जैसे मैंने बताया, पर ये कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे आती हैं। कई बार कई रोग जो हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आते हैं। जैसे इसकी मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं डायबिटीज वालों को, स्ट्रोक्स होते हैं, लोगों के पैरों में जो अल्सर्स हुए हैं या कहीं पर अल्सर घाव हो जाते हैं, घाव भरने में टाइम लगते हैं, इससे पैर कटने तक का डर रहता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, और किडनीज जो हैं, किडनीज फेल हो जाती हैं, किडनीज पर असर होता है। इसके अलावा ये पेट पर, नसों पर भी ये इसका प्रभाव पड़ता है। नसें खराब होने से आदमी का, जैसे पैर सुन्न होते हैं, कमजोरी होती है, हाथ सुन्न होते हैं, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो ये दिमाग से लेकर, आंखों से लेकर, हार्ट से लेकर, पेट से, इनफैक्ट ब्लैडर कंट्रोल से लेकर पैर तक, नीचे तक, इसका सब चीजों पर असर होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, ये भी समझाइए कि HbA1c को साधारण शब्दों में आप कैसे समझाएंगे और डायबिटीज को मापने का सही मापदंड कौन सा है, HbA1c या ब्लड शुगर लेवल? देखिए, HbA1c जो है ये 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है शरीर में जी कितना है, पर आज की तारीख में आदमी का शुगर कितना है, इंसान का शुगर कितना है, वो हम शुगर का जो ग्लूकोज का मात्रा जो है फास्टिंग में या खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, वो उस टाइप का मापदंड होता है। तो हमारे को 3 महीने का जो एवरेज, जो हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c बोलते हैं, उसको कंट्रोल में रखना होता है। जो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं 7% के नीचे अच्छा माना जाता है, जी डिपेंडिंग ऑन द एज। ओके कई यंग लोगों में 6.5% भी हो सकते हैं, और ओल्ड लोगों में जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं उनको हम 7.5% तक भी रख सकते हैं। ओके पर जैसे मैंने बताया कि इमीडिएट आपकी चीज नहीं बताता है, हो सकता है कि 3 महीने का आपका HbA1c ठीक है, पर कहीं इन्फेक्शन हो गई या आपने कुछ खाने में परहेज नहीं किया और ये शुगर्स जो है ये अचानक बढ़ने लग जाते हैं, तो उस टाइम का जो इनका ग्लूकोज की मात्रा है उसके लिए फास्टिंग पीपी चेक करना जरूरी होता है, महीने में एक बार कम से कम ये करना चाहिए। ओके ये भी बताइए कि HbA1c रिवर्सिबल है, अगर हाँ तो इसमें दवाओं का कितना रोल है? देखिए, HbA1c जैसे मैं बताया, ये आपका शुगर की एवरेज मात्रा बताता है 2 से 3 महीने की। तो अगर आपका कंट्रोल अच्छा रहता है, अगर शुगर के मरीज का कंट्रोल अच्छा रहता है, तो HbA1c 10-11% किसी का जो खराब था वो कम होता है, तो वो उसको टाइम लगता है, जैसे मैंने बताया 3 महीने का एवरेज, 3-4 महीने में कम होना शुरू होता है। तो इसको हमको कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हमने दवाई शुरू की और हम ये सोचें कि ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये HbA1c जो है ये एवरेज कम होने में कुछ महीने लगते हैं, तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इमीडिएटली इसको ट्रीट कर रहे हैं। HbA1c नहीं, हम शुगर्स का कंट्रोल कर रहे हैं, सो दैट इंसान को उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ना हो। डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी इसे रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, क्योंकि इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, तो नेचुरली लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो वो रिवर्स होना शुरू होगी। जी मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी तो उस टाइम हार्ट अटैक को माना जाता था कि ये रिवर्सिबल नहीं है, मगर उसके बाद जब डॉक्टर डीन ऑर्निश की किताबें आने शुरू हुई और हमने खुद पढ़ा कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो भी रिवर्सिबल है, तो उस समय से एक पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये फंडामेंटली क्योंकि लाइफस्टाइल से उपजी हैं, उसकी जेनेसिस लाइफस्टाइल से हुई है, तो लाइफस्टाइल ठीक करने से वो रिवर्सिबल भी होती हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ एक मैंडेटरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल करेक्शन कीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप लाइफस्टाइल करेक्शन नहीं करेंगे तो
तो आप उस बीमारी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उस बीमारी को बढ़ाने बढ़ा में रहे हैं जी। सहायता कर रहे हैं। तो इसलिए इट इज मैंडेटरी आई थिंक कि द मोमेंट आपका वो एक लेवल आ जाए कि आपको दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, पेशेंट एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी। जी, अगला सवाल भी मेरा आप ही से है कि शुगर में डाइट का क्या रोल है? क्या सिर्फ डाइट में बदलाव करके शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है? जी मेरे से जी देखिए, जो डाइट है उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 60-65% शुगर कंट्रोल में होता है। जी अगर अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे और अगर आप डैमेजिंग लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर वो 60% भी फिर धीरे धीरे करके कम हो जाता है। आई गिव यू सम एग्जांपल। सपोज समबडी सेज कि जी मैंने शुगर छोड़ दिया, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, मगर वो इंसान अब शुगर फ्री प्रोडक्ट्स खूब खा रहा है जिसमें इन्फ्लेमेशन है, वो इंसान अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहा, उसको प्राणायाम या स्ट्रेस मैनेजमेंट का उसको कुछ आता नहीं है, उसको उसने कुछ सीखा नहीं है या उसने एक्सरसाइज नहीं करी, तो सिर्फ चीनी छोड़ने से फिर एक टेम्प्ररी असर जरूर आएगा, मगर फ्यू मंथ्स में वो फिर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जी डॉक्टर बरार, आप मुझे समझाइए कि प्री डायबिटीज क्या है और क्या इस दौरान अपना ख्याल रखकर हम डायबिटिक होने से बच सकते हैं? जी, प्री डायबिटीज, ये डायबिटीज बनने से पहले क्या फेज होता है जिसमें जो आदमी जो एट रिस्क हम बोलते हैं कि उसको डायबिटीज हो सकता है, ये शुरुआत में डायबिटीज जिसको पूरी तरह से नहीं बना है पर बनना शुरू हो रहा है, ये वो फेज होता है, स्टेज होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो हम फास्टिंग शुगर बोलते हैं, खाली पेट पर जो हम करते हैं शुगर, ये 100 के नीचे नॉर्मल होता है, पर 100 से 125 तक इसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, 126 या उससे ऊपर को हम डायबिटीज बोलते हैं। इसी तरह खाने के बाद का जो शुगर होता है, 140 से 200 तक हम प्री डायबिटीज बोलते हैं और 200 के ऊपर हम डायबिटीज बोलते हैं। ये प्री डायबिटीज स्टेज जो है, ये एक तरह से खतरे की घंटी है। हमको यहाँ पर ही अगर हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डाइट से, लाइफस्टाइल से, तो ये काफी हद तक रिवर्सिबल है। सो अगर कोई आदमी, अगर वो एट रिस्क, जैसे हम बोलते हैं कि उसके 2-3 जनरेशन से डायबिटीज है या उसको मोटापा ज्यादा है, उसका हेल्थ अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, खाने पीने पर ध्यान नहीं रख रहा है, उसके चांसेस इससे ज्यादा हो जाते हैं। पर प्री डायबिटीज में सपोज वो अपने खाने पीने का ध्यान रखना शुरू करता है और अपना डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइजेस करके, वेट कंट्रोल करता है, तो ये काफी हद तक प्री डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं प्री डायबिटिक स्टेज में। कुछ दवाइयाँ भी, कुछ स्टडीज में दिखाई गई हैं कि कुछ दवाइयाँ भी इसमें हेल्प करती हैं, पर लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा महत्व है इसमें। डॉक्टर बरार, आपका आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगी कि फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी डायबिटिक है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं डायबिटिक, पर आप अब संभल गए, आपको पता चल गया कि पेरेंट्स हैं तो मुझे ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैंने अपना लाइफस्टाइल सुधार लिया है, मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ऐसे में कितना परसेंटेज मेरा है जो वो कम हो जाएगा मेरा चांसेस डायबिटिक होने से? देखिए, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो आप डेफिनेटली एट रिस्क हैं। आप 1.5 से 2% टाइम ज्यादा आपका चांस है बाकी नॉर्मल लोगों से आपको डायबिटीज होने का। जी पर अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल से इसको कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिस्क आपका 0% हो जाता है, खत्म हो जी जाता है, इट विल स्टिल बी देयर। पर जैसे मैंने बताया कि आप इसको रिवर्स करके हेल्दी लाइफस्टाइल से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो काफी हद तक ये प्रिवेंटेबल हो जाता है। ओके क्या मैं इस चैन को भी ब्रेक कर सकती हूँ कि अगर मैंने अपनी जनरेशन सुधार ली तो मैं आगे वाली जनरेशन को इस बीमारी के खतरे से बचा सकती हूँ? डेफिनेटली देखिए, डायबिटीज ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये जनरेशंस में या फैमिलीज में ही चलती है। जैसे मैंने बताया, ये मल्टी फैक्टोरियल होता है और ये किसी को भी हो सकता है। जी पर जैसे आप कह रहे हैं कि ये हर जनरेशन में होना जरूरी नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, हो सकता है कि आपको नहीं हुआ है, आपके बच्चों का लाइफस्टाइल अच्छा है और उनका रिस्क फैक्टर्स और कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो मे बी दैट चेन कैन बी ब्रोकन। ओके बट क्योंकि इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग, और पर हम ये उस डायबिटीज की बात कर रहे हैं जो टाइप 2 वाला डायबिटीज जी है, जी जो बिल्कुल इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। ओके डॉक्टर शिखा, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, वो कौन से फूड हैं जो डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करते हैं और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं तो शुरुआत करूंगी किन चीजों को अवॉइड करें। तो सबसे पहले जो फूड्स आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है डायबिटीज में, उसको अवॉइड करें। इसका मतलब है कि कोई भी फूड जिसके अंदर आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है,
या जिसके अंदर रिफाइनिंग बहुत हैवी हुई है, जैसे कि ऑयल्स की बहुत हैवी रिफाइनिंग होती है, इसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं। इसी तरीके से जो मैदा है उसकी बहुत रिफाइनिंग होती है। तो जो भी फूड बहुत हैवीली प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है और अपनी नेचुरल स्टेट से जितना दूर है, वो ज़्यादा आपकी शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। दूसरी चीज़ जो आजकल पिछले जो 15-20 सालों में एक नई चुनौती आई है, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत हैवी यूजेज हो रहा है केमिकल्स का। यानी जो एग्रीकल्चर में बहुत हैवी किलर पेस्टिसाइड्स और जो इवन उसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सब केमिकल हैं। वो शरीर हमारा ह्यूमन शरीर डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता, वो जी हमारे लिए भी पॉइजन बनता जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितने भी एग्रीकल्चरल जो एक प्रॉपर एक आप फंडामेंटल्स थे उसको तोड़ा गया। यानी कि जैसे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप एक फार्म पे बार बार गेहूं नहीं उगाएंगे, आप दूसरा अनाज उगाएंगे। तो उसको उगाने के लिए, बार बार गेहूं को उगाने के लिए हैवी फर्टिलाइजर और हैवी पेस्टिसाइड उसको बचाने के लिए यूज हुआ। तो आई वुड से इन शॉर्ट दैट एक तो आपको ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, और खासकर बच्चों के लिए। बट किड्स आर वेरी वनरेबल, प्रेग्नेंट वुमेन आर वेरी वेरी वनरेबल। तो एक तो ऑर्गेनिक, जैसे मैंने कहा, एक तो रिफाइंड हैवीली प्रोसेस्ड उनको अवॉइड करें, केमिकल्स अवॉइड करें, कोशिश करें ऑर्गेनिक की तरफ जाने की। जी दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो खाने में, अगर हम एक प्लेट देखते हैं तो उसमें सैलड्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मल्टीग्रेन, ये नहीं कि हम सिर्फ रोज गेहूं और ब्रेड ही खा रहे हैं या चावल ही खा रहे हैं। उसमें हम जैसे ओट्स है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये इतने सारे हमारे ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स अगले साल हो सकता है। जो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ गेहूं 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 खाएंगे तो आपका शरीर की तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, आपको डाइवर्स ग्रेन्स खाने हैं। एंड आपकी डाइट में कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड में भी एक 15% और 20% तक आपका अनकुक्ड फूड होना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, सैलड्स एंड वेजिटेबल जूसेस। तो अगर आप ये करेंगे और साथ में आप एक्सरसाइज करेंगे, तो एक कहावत है कि यू आर वॉट यू ईट। आप जितना गलत खाना खाएंगे आपका मानसिक नेचर वैसा हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज वेरी पर्टिनेंट टू नोट कि ये यू आर वॉट यू ईट आज नहीं कहा गया, हजारों साल से ये अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिटरेचर्स में कहा गया है। सो आई थिंक एंड द फंडामेंटल, अगेन आई एड वन मोर थिंग, इज यू आर योर वॉट यू ईट। ये साइंस भी इस्टेब्लिश कर रहा है थ्रू द गट बायोम। आपके गट में इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप जो खा रहे हैं और वो इतना केमिकल है, तो आप गलत बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का एक मौका दे रहे हैं, जो आपके बॉडी को तो इम्पैक्ट करेगा, हो सकता है आपके न्यूरोनल सिस्टम्स के थ्रू आपके माइंड को भी इम्पैक्ट करे। जी डॉक्टर बरार, मेरा अगला सवाल आपसे, अगर कोई कंट्रोल डाइट ले रहा है, अपना पूरा लाइफस्टाइल हेल्दी बना लिया उसने, तो क्या वो डायबिटीज की दवाएं लेना बंद कर सकता है? अगर ये शुरुआत है डायबिटीज की, या जैसे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज या डायबिटीज की शुरुआत है, तो ये काफी हद तक इसको बंद किया जा सकता है अगर जी पेशेंट मिनिमम डोजेस पर है दवाई के। मतलब एक गोली ले रहा है कोई दिन में, या दो गोली ले रहा है, तब भी वो कम हो सकता है या बंद हो सकता है। पर कुछ टाइम के बाद दवाई की जरूरत इतनी पड़ती है, मतलब कुछ टाइम, मतलब कुछ सालों के बाद, अगर कोई आदमी, कोई मरीज जो है वो दवाई ले रहा है, वो उसको छोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। पर जैसे मैंने बताया, अगर कोई ड्रास्टिकली, जैसे 100 किलो का या 120 केजी कोई किसी का वजन है और वो उसको कम करके 70-80 केजी तक कर देता है, तो ये काफी हद तक खत्म हो सकती है बीमारी। ओके तो टाइप 1 और टाइप 2 में कौन सी टाइप की डायबिटीज रिवर्सिबल, और किन पेशेंट को ताउम्र इसके लिए दवाई और इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है? टाइप 1 डायबिटीज ये एकदम ही अलग है एक्चुअली। ये जेनेटिक प्री कंडीशनिंग होती है, इसमें आपका इंसुलिन जो है शरीर में वो बनता ही नहीं है। तो ये बीमारी आज की तारीख में इसका कोई इलाज या रिवर्सिबिलिटी नहीं है, जिंदगी भर इसकी जरूरत दवाई की, इंसुलिन की पड़ती ही है। टाइप 2 डायबिटीज जैसे आपको बताया, ये काफी हद तक अच्छा खाने पीने से और अच्छा लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइजेस से, ये काफी हद तक प्रिवेंटेबल या कंट्रोल। रिकवरेबल है। जी डॉक्टर शिखा, ये बताइए कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है, और क्या एक नॉर्मल हेल्दी डाइट से अलग है या कैसे? देखिए, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक जी कंपोनेंट होता है करेक्ट डायग्नोसिस, कि भाई जो पेशेंट है उसकी कोमोबिडिटीज हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन या और भी कोई कोमोबिडिटी कंडीशन है, तो उसका रूट कॉज क्या है, तो इसीलिए उसको रूट कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होता है। दूसरा है कि उसका एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट वगैरह सब होता है, ये देखने के लिए कि उसकी करंट कंडीशन क्या है, उसका लिवर हेल्दी है कि नहीं, उसकी किडनी हेल्दी है कि नहीं, उसके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं उसका ये सर कितना बड़ा हुआ है,
और बाकी ब्लड पैरामीटर्स कितने उसके अनबैलेंस्ड है। जी उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चरली प्लानिंग होता है जिसके अंदर दो चीजें देखी जाती है, एक तो करंट कंडीशन को कैसे रिवर्स किया जाए और दूसरा उसके जो बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी हो सकता है, B12 हो सकता है, बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी बीमारियां बढ़ती हैं, तो उसको एक जिसको कहते हैं रिप्लेनिश करने की आवश्यकता रहती है कि एक तो आपने डायग्नोसिस करी कि रूट कॉज बीमारी का क्या है, दूसरा ब्लड टेस्ट से ये आप असेस करते हैं कि उसमें क्या डेफिशिएंसी चल रही है जिसको रिप्लेनिश करना है, तीसरा उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है वो है काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कंप्लायंस मॉनिटरिंग। देखिए कोई भी इंसान वो अपने हैबिट्स का गुलाम होता है और ये जो हैबिट्स हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी बचपन में हमारी फैमिली से हमें पड़ जाती है, अच्छी या बुरी। हमें फैमिली से अच्छी चीजें भी मिलती हैं बट अगर उनकी अगर हमारी फैमिली में बुरी हैबिट्स हैं सैडली वो भी हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसीलिए लाइफस्टाइल ये जो डायबिटीज और कई बीमारियां जनरेशन जनरेशनल हो जाती हैं बिकॉज इट्स कॉल्ड एन ओबीसोजेनिक एनवायरमेंट। तो इसीलिए जब एक इंटरवेंशन थेरेपी होती है जिसको हम ये थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करते हैं तो पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि वरना वो रिलैप्स कर जाता है अपने पुराने हैबिट्स में। जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक बहुत एक्सट्रीम केस है जिसके अंदर अल्कोहलिज्म अगर फैमिली में हो तो बच्चों में आने की एक बहुत चांस बढ़ जाता है बिकॉज वो एनवायरमेंट वैसा था, उन्होंने सीखा ही हुई है। तो उनमें इंटरवेंशन जब करते हैं तो रिलैप्स होने के लिए वो एक कुछ ट्रिगर्स होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स, सम अदर ट्रिगर्स। तो इसी तरह से जब इंसान ऑलरेडी सीख चुका है गलत हैबिट्स तो उसकी हैबिट्स को मॉडिफाई करने के लिए इंटरवेंशनल थेरेपी के लिए कंप्लायंस मॉनिटरिंग, साइकोलॉजिकल कंप्लायंस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थेरेपी का। जी न्यूट्रिशन के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि अगर लोगों ने एक्सरसाइज करने की आदत नहीं डाली तो 2030 तक 50 करोड़ लोग डायबिटीज़ जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो क्या अहम रोल है एक्सरसाइज का, डॉक्टर बरार आप ये समझाइए। देखिए एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज सिर्फ डायबिटीज ही कंट्रोल नहीं करती है, ये आपका हार्ट प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। इसके अलावा इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मूड एलिवेटर, जी मूड एलिवेशंस के लिए अच्छी है डायबिटीज। ये एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होती है और डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। सो एक्सरसाइज हम बोलते हैं एटलीस्ट दिन में आधा घंटा आपको वॉक, अगर ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन भी कर रहे हैं तो इट वुड बी कंसिडर्ड अ गुड एक्सरसाइज। और अदरवाइज हम बोलते हैं कि इकट्ठा कोई आधा घंटा तक अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको कम से कम 3 मिनट तक बीच में उठना चाहिए। जैसे कुछ फोन कॉल आ गया तो आप बैठे मत रहिए, एटलीस्ट उठकर चलिए, कमरे में बात करते रहिए। जी तो एक्सरसाइज के फर्क इतना पड़ता है कि आपका शुगर्स कंट्रोल जो है वो बहुत काफी हद तक अच्छे हो जाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपके रिक्वायरमेंट दवाइयों की कम हो जाती है, बीपी शुगर कंट्रोल रहते हैं, एंड इट्स गुड फॉर एवरीथिंग बेसिकली। जी अगला सवाल जो है वो मैं आप दोनों से लेना चाहूंगी कि सब लोग जानते हैं कि ये लाइफस्टाइल पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी डाइट पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले समय में हमें इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ सकता है? डॉक्टर शिखा पहले आपसे। देखिए आई वुड ओनली से कि आप कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसकी हर पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर हो। जी इतने बिल्कुल डॉक्टर्स कोई भी कंट्री नहीं बना सकती, इतना हॉस्पिटल कोई कंट्री नहीं बना सकती। और जो लोग हैं जो हम किसी जैसे कंट्री की जीडीपी कहते हैं तो वो जीडीपी कहाँ से आती है? वो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जो लोगों का परिश्रम होता है। तो यानी कि अगर इंडिया को आगे जाके एक अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं बनना है तो सबसे पहले उनको हेल्थ केयर एक आई वुड से एट अ क्रिटिकल जंक्शन जो आ चुका है उस पर फोकस करना है। और स्कूल्स में न्यूट्रिशन एजुकेशन, कॉलेजेस में न्यूट्रिशन एजुकेशन एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि जब तक ये हमें एक सिखाया नहीं जाएगा, एजुकेट नहीं किया जाएगा तो बाद में अगर जैसे कि कोविड का एक हमने देखा क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो कोई भी क्राइसिस कोई भी कंट्री गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती। वी हैव टू एजुकेट आवर पॉपुलेशन फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जी डॉक्टर बरार आपका सवाल। जैसे डॉक्टर शिखा ने कहा है कि कोई भी कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि इसका हेल्थ सेक्टर का जितना इसका बर्डन है डायबिटीज का, ये फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा है इसका कि कंट्रीज इससे कोलैप्स कर सकती जी हैं बिल्कुल फाइनेंशियल बर्डन से। आज के डेट में डायबिटीज जो है इट्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ब्लाइंडनेस का, आंख आंख से मतलब रोशनी जाने का, एम्पुटेशन का, पैरों के कटने की, ये सबसे बड़े ये कारण है।
और पेशेंट्स जो हैं इनका एडमिशंस का खर्चा, इनका केयर का खर्चा, केयर गिवर्स का खर्चा, ये इतना ज़्यादा है कि ये आपका जीडीपी का ऑलमोस्ट ये 2% 3% का ये हिस्सा ले जाता है। तो जी इसलिए हमारे को, जैसे डॉक्टर शिखा ने कहा है, हमारे को इसकी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को, और गवर्नमेंट को भी और डॉक्टर्स को भी, हम सब लोगों का ये एक तरह से दायित्व बनता है कि हम इसको जितना लोगों तक पहुंचा सके इस बीमारी के बारे में, और उनको उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताएं, ये बेटर है। जी तो वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, दोनों ही, कैसे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और आने वाले समय में इसके मामले खत्म हो, कम हो और हम इस बीमारी पर जीत हासिल कर सके? डॉक्टर बरार, आपसे। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेक करिए। जैसे हम बोलते हैं, डायबिटीज डजंट रन इन फैमिली, इट जी हैपन्स बिकॉज नो वन रन इन फैमिली। कोई घर में भागता नहीं है इससे डायबिटीज है, इससे नहीं कि डायबिटीज जैसे आपने कहा जनरेशन में चली आ रही है। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और इससे लड़ाई करिए। किस उम्र में हमें सतर्क हो जाना चाहिए डॉक्टर, ये बताइए। अगर किसी को डायबिटीज का जैसे लक्षण ज्यादा है, आजकल बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी हम देखने को मिलती है, लोग बच्चे बर्गर्स खाने चले जाते हैं, लोग बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, तो ये इसका कोई एज नहीं है, टीनेज में ही हमारे को इसका ध्यान रखना शुरू करना चाहिए, जी देखते हुए कि बच्चों का हेल्थ अच्छी है तो आगे जाके भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर अगर शिख शुरुआत जी में ही बच्चों का अगर मोटापा आ गया तो बाद में मोटापा कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये एक चीज है जो हमें देखनी है। डॉक्टर शिखा, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बच्चों को खाने पीने दो, उम्र है इनकी, बाद में संभल जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो शुगर है वो अनफॉर्चुनेटली, जैसे अल्कोहल बड़ों का एडिक्शन है, शुगर बच्चों का एडिक्शन है। तो एज पेरेंट्स आई वुड से कि आप उनके लिए हर चीज अच्छी करना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रॉपर्टीज बनाते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। सिर्फ एक चीज अगर आप करें कि उनको एक हेल्दी हैबिट जी की बिल्कुल तालीम दें, उनको हेल्दी हैबिट सिखाएं, तो वो सबसे बड़ी तालीम होती है और उससे वो बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा एज एन एडल्ट एंड एज अ इंडिविजुअल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, बच्चों को बहुत चीज़ें देना चाहते हैं, पर अगर हम उन्हें हेल्दी हैबिट दे दें तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। थैंक यू। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट का कहना है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारे लाइफस्टाइल और हमारी डाइट का कितना बड़ा रोल है, इसलिए समय रहते बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं ताकि इस गंभीर बीमारी के खतरे को हम कम कर सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। टुडे डॉक्टर्स आर बिजियर देन एवर प्रोवाइडिंग केयर एंड एडवाइस टू पेशेंट्स, एंड द रियलिटी इज दैट एन एवरेज पेशेंट नाउ स्पेंड्स मच मोर टाइम इन द वेटिंग रूम देन इन द डॉक्टर्स चेंबर। विद सच अ कैप्टिव ऑडियंस, इट्स टाइम टू पुट देयर वेट टाइम टू गुड यूज। इंट्रोड्यूसिंग TV9 वेटिंग एरिया नेटवर्क that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9, and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com, and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.